नमस्कार, स्किल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप के और उसके अकाउंट के अलग अलग फीचर्स के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं, तो उन वीडियोस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं जिनके अंदर आपने मुझसे पूछा है कि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को अपने फोन पे के साथ कैसे लिंक कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को अपने फोन पे के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं और उसका आपको क्या फायदा होगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से किसी भी तरह की पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि कोई बिल पेमेंट करना चाहते हैं, कोई मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, या फिर कोई आप डिश रिचार्ज करना चाहते हैं, इसके अलावा किसी तरह की कोई इंश्योरेंस पेमेंट करना चाहते हैं, कोई फास्टैग वगैरह रिचार्ज करना है, या फिर आपने किसी को किसी भी तरह के किसी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है, तो ये सारे काम तो आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऐप के अंदर ही कर सकती है। लेकिन अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को अपने फोन पे के अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे तो आपको कुछ एडिशनल फीचर मिल जाएंगे, क्योंकि फोन पे के अंदर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, या फिर आप एक SIP शुरू करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप कोई इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर हैं जो कि आपको फोन पे ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो ये सारे फीचर अवेल करने के लिए आपको अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट जो है वो अपने फोन पे के अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने IPPB अकाउंट को अपने फोन पे अकाउंट के साथ लिंक कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो यहां पर हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको यह सिखाऊं कि अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आप अपने फोन पे अकाउंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपना फोन पे अकाउंट कैसे बना सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अपना फोन पे अकाउंट आपने कैसे बनाना है। तो आपने प्ले स्टोर में चले जाना है और यहां पर आपने टाइप कर देना है फोन पे। तो जैसे ही आप फोन पे टाइप करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके की एक ऐप आ जाएगी। तो चलिए इस ऐप को यहां पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना 10-digit का मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपने यहाँ पर वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट के साथ लिंक है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम एंटर कर देते हैं। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, तो उस OTP को आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जैसे ही आपका फोन नंबर कन्फर्म हो जाएगा तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें नीचे कुछ एक टैब्स मिल रही हैं। तो सबसे पहली टैब जो है उसका नाम है होम टैब, और होम टैब के ऊपर जो हमें इंटरफेस मिल रहा है उसके ऊपर सबसे पहले हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको और भी बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर किसी को UPI पेमेंट कर सकती हैं, किसी को बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं, इसके अलावा आप DTH रिचार्ज कर सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकती हैं, सिलेंडर बुक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे आपको और भी बहुत सारे ऑफर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको नीचे इंश्योरेंस की भी ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको इन्वेस्टमेंट की भी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकती हैं, आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप SIP भी स्टार्ट कर सकती हैं, इसके अलावा नीचे आपको और भी IRCTC की ऑप्शन मिल जाती है, इसके अलावा आप डोनेशन दे सकते हैं, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी सब्सक्रिप्शन भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हमें जो सेकंड टैब मिल रही है वो है स्टोर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग तरह के स्टोर मिल सकते हैं, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें थर्ड ऑप्शन मिल रही है नीचे वो है इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की इंश्योरेंस मिल रही है, जैसे कि आप अपने व्हीकल की इंश्योरेंस कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, और यहाँ पर और भी नीचे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की टैब मिल जाती है, जिसकी मदद से आप अलग अलग तरह की स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी फीचर्स इसके अंदर भी मिल रहे हैं। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर एक हिस्ट्री की ऑप्शन मिल रही है, जिसकी मदद से आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकती हैं। तो चलिए वापस से हम होम टैब में चले जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो ऐड बैंक अकाउंट की ऑप्शन मिल रही है इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो उसे सर्च करने के लिए आपने यहाँ पर सर्च टैब में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इंडिया टाइप किया, नीचे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खुद से ही आ गया। तो चलिए इस बैंक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये जो ऐप है हमारे उस मोबाइल नंबर को कन्फर्म करेगी। तो चलिए हम यहाँ पर नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है जो कि हमारा IPPP के साथ लिंक है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोन पे ऐप ने हमारे जो मोबाइल नंबर के साथ लिंक हुआ इंडिया पोस्ट पेमेंट का अकाउंट है उसको यहाँ पर सर्च कर लिया है। तो यहाँ पर नीचे हमें प्रोसीड टू ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट जो है वो फोन पे ऐप के साथ लिंक हो जाएगा। तो जैसे ही ये अकाउंट लिंक होगा आप फोन पे ऐप के अंदर जो फीचर है उनको यूज कर सकते हैं और उनके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको कोई नई नॉलेज मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप अपना पैसा किसी ऐसी सेफ और सिक्योर स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से आपको गारंटीड रिटर्न मिले तो उसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं जिनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको हमारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।